जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो जिनको नहीं पता, मैं एक बार ये फटाफट से रिमाइंडर देता हूँ, जिन्हें नहीं मालूम वो मेरी लास्ट वीडियो को जाके जो है देख सकते हैं। ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये एक NGO से बिलोंग करती है जो कि डॉग्स का है, जिसमें हम डॉग्स को खाना, पानी, उनके फूड बॉल्स, मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर अ शेल्टर, जहाँ पर हम इंजर्ड डॉग्स को या फिर जिन डॉग्स को डिजीज़ रखी है उन्हें रख के उनको क्योर कर सकें। नेक्स्ट, बहुत टाइम बाद एक स्क्रिप्टेड वीडियो को हटा के, मतलब मैं अपना खुद का टॉपिक लेकर आया हूँ, एंड विच इज़ रिलेटेड टू लास्ट वीडियो जो हमने एंजल के ऊपर बनाई थी। तो मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक सीरीज़ लेकर आएंगे, तो दिस इज़ द फोर्थ टाइम जबकि मेरे, हाँ, तो एंजल वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये देखो तीन काले यमदूत जो है वो घूम रहे हैं। तो मेरे पास तीन नहीं, बेसिकली मेरे पास चार काले यमदूत हैं, बट इसमें एक नहीं है, तो एक वाइट और एक ब्लैक मिसिंग है। सो वाइट इज़ फीमेल विच इज़ इन माई ब्रीडिंग टैंक इन माई बेडरूम, एंड बेडरूम में मैंने इसीलिए रखा हुआ जिससे मैं उन्हें क्लोजली मॉनिटर कर सकूं। और जो ब्लैक वाला है वो मेल है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ब्लैक और वाइट नहीं कर सकते, सेम कलर होना जरूरी है, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड डिस्कस में भी ऐसा नहीं होता है, अगर आप डिफरेंट कलर्स को पेयर अप कराएंगे तो वो भी कर लेते हैं, डिपेंडिंग उन्हें वो एक दूसरे को पसंद करें। तो आज का टॉपिक जो है वो उसी सेम सीरीज़ को कॉन्टिन्यूएशन में रखते हुए, एंजल फिश ब्रीडिंग गॉन रॉन्ग। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, ये जो मेरे पास बड़ी बड़ी एंजल्स हैं, इस टाइम पे इसका साइज़ अच्छा खासा है, 6 इंचज़ साइज़ है मेरी एंजल का करेंटली। तो ये मेरे पास बहुत ही छोटे साइज़ से हैं, जब ये 1 से 1.5 इंच की हुआ करती थी। मेरे इंट्रो में आप देख सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी होगी जब मैंने अपनी फ़िश फीडिंग वाली वीडियो बनाई थी, उसमें टाइम लैप्स वीडियो मैंने बनाया था, तो वो उसमें भी वो देख सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी 1 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा, जो सिर्फ टैंक की हो क्लोजली, या फिर अगर आप खुद भी जूम करके देखेंगे तो भी देख पाएंगे। नाउ कमिंग इन अ कम्युनिटी टैंक, वैसे तो जनरली एंजल फिश जो होती है वो ब्रीड नहीं करती है, बट हाँ, अगर उसको अपने रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने एंजल फिश वाली वीडियो में बताया कि उसे कैसा इन्वायरमेंट पसंद है, तो अगर उसे वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो कर भी लेती हैं। प्लस अगर उस टैंक में और कोई उसकी स्पीशीज़ से बड़ी फ़िश ना हो तो भी वो इजीली कर लेती है। अब एंजल है, उसे डिस्कस से डर नहीं लगता है, ऑब्वियसली डिस्कस इज़ अ पीसफुल फिश। और स्मॉल टेटरास जो होती हैं, या फिर अगर जो बाब्स की ब्रीड होती हैं, जैसे रोज़ी बाब हो गई, तो उनसे भी इसको कोई ख़तरा नहीं होता है, तो ये लोग ना बिना डरे ब्रीडिंग कर सकती हैं। हाँ, अगर ये उस टैंक में काफ़ी टाइम से रह रही हैं, एकदम से बड़ी नई फिश ला कर डालोगे तो वो एकदम से पेयर अप करके ब्रीड नहीं करती है। तो हाउ इट गॉन रॉन्ग, और आप उसे सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके अब हम गॉन राइट के बारे में बात करेंगे, बट करेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट गॉन रॉन्ग। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं नोटिस करना शुरू कर देता हूँ कि भाई इन्होंने लाइक स्पॉनिंग की जो है, मतलब हरकतें का दिखानी शुरू कर दी हैं, मतलब सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो दे स्टार्टेड क्लीनिंग द फिल्टर पाइप्स, एंड फिल्टर का जो स्पॉन्ज वाला केसिंग होती है उसे क्लीन करना शुरू कर दिया। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मतलब फ्लैट सरफेस दे चूज़ दे प्रेफर, जो एंजल्स होती हैं स्पेसिफिकली, कुछ ना मिले तो वैसे लीफ के ऊपर भी कर देते हैं, बट फ्लैट सरफेस इनको ज़्यादा पसंद होता है। तो हुआ क्या, करना शुरू कर दिया, तो आई कॉल्ड अनिल जी, अपने अनिल एक्वेरियम वाले, कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरे को एक फटाफट से आप जो है टैंक दो, क्योंकि मेरा जो मेडिसिन वाला मेडिकल टैंक है या हॉस्पिटल टैंक जिसको बोलते हैं, दैट इज़ ओनली लाइक 1 फीट। अब जिन्हें पता है कि एंजल ब्रीड करती है या कोई भी जो एगलिंग फिश होती है वो 10-15 अंडे नहीं देती, 200-300 अंडे भी दे देती हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीज़न यू नीड ए बिग साइज़, प्लस एंजल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो अगर आपके पास मान लो 50 बच्चे भी होते हैं, तो अगर वो आधे आधे इंच के भी हो जाएंगे तो आप उन्हें कहाँ संभालोगे, कहाँ रखोगे? चाहे मैं उन्हें बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ एज अ गिव अवे दे दूँ, या फिर ऐसी किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे दूँ फॉर फ्री, ऑफकोर्स वो एक बात की बात है, बट हाँ, दे ग्रो बिग इन साइज़। तो 1 महीने के बच्चे भी जो हैं वो इतने इतने साइज़ के, 0.5 इंच टू 1 इंच हो जाते हैं, तो जिसके लिए आपको एक बड़ा टैंक चाहिए होगा। तो मैंने 2 फीट का टैंक बोला उन्हें लेकर आना, अगले दिन घर भिजवा देना, तो कहते चलो ठीक है। इतने में मैं देखता हूँ, मैं अपने बेडरूम से बाहर आया, मैंने देखा पूरा फिल्टर मेरा पीछे से वाइट 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 डॉट 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 से लाइन में भरा पड़ा है। तो दे डोंट गिव लाइक स्नेल्स की तरह, वो बिखेर बिखेर के नहीं देते, एक लाइन में बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर एग्स देते हैं। मैं आपको एक पिक्चर भी शो कर देता हूँ गूगल से उठा के, तो आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, फिल्टर निकाला बाहर, मतलब टैंक मंगवा लिया, तो अगले दिन आने वाला था। अब मैं क्या करूँ, कम्युनिटी टैंक है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली अगर अंडे सही बच भी जाते हैं, फर्टिलाइज हो भी जाते हैं, सब कुछ सही भी हो जाता है, तो बाकी फिशेस खा जाएंगी। तो टैंक मैं खुद पर्सनली लेने गया, रात हो चुकी थी, तो उन्होंने कल भेजना था, मैं लेने गया, लेकर आया,
इस टैंक में से मैंने पानी निकाला, तो पानी वानी निकाल के भरा, रेडी करा, मैं यहाँ आया, मैंने उस फिल्टर के बॉक्स को निकाला, फ़ीमेल को बाहर निकाला, पहले फ़ीमेल को निकाल लिया, मेल इधर उधर ज़्यादा भाग रहा था, फ़ीमेल जल्दी काबू में आ गई थी, फ़ीमेल को निकाला पहले, पॉकेट में रखा, फ़िल्टर को निकाला रखा, मेल को निकाला, तीनों को ले जाके ब्रीडिंग टैंक के अंदर डाला। अब ब्रीडिंग टैंक में डालने के बाद जब तक सिर्फ फ़ीमेल थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब मेल डाला, मेल ने जैसे ही टैंक के अंदर डाल के जिसमें थोड़ा सा दाएँ बाएँ हुआ जस्ट टू क्लियर सॉर्ट द थिंग्स, सबको सेटल आउट करने के लिए, मेल ने अंडे खाने शुरू कर दिए। अब भैया नॉलेज तो थी लेकिन तैयारी नहीं थी, तो अब होता क्या है ऐसे में फिश हो जाती है स्ट्रेस, प्लस बीइंग कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग पे आया था, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स थे, मेल एकदम स्ट्रेस आउट हुआ, स्ट्रेस आउट होते ही उसने खाने शुरू कर दिए। आई डिड मोर रिसर्च, मोर स्टडी ऑन दैट, तो पता चला कि जनरली केसेस के अंदर, और फिर जैसे मैंने आपको एंजल फिश वाली ब्रीडिंग में बताया भी कि ये वाली जो फिशेज एंजल होती हैं वाइल्ड से नहीं हैं, कैप्टिविटी के अंदर, यानी कि इन्हें फार्मर्स जो होते हैं, फिश फार्मर्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली ब्रीड करा के पैदा करते हैं, तो इन एक दूसरे को देख के सीख नहीं पाते, इन्हें पता नहीं होता, और वो मुर्गियों वाला सिस्टम भी करते हैं, लाइक इन्होंने अंडे दिए, उन्होंने जैसे अंडे फर्टिलाइज हुए या तो अंडों को अलग कर दिया या पेरेंट्स को अलग कर दिया, सो दैट पेरेंट्स जो हैं वो दोबारा अंडे दे सकें, तो इसीलिए वो उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है बच्चों के साथ क्या नहीं करना, दैट्स द मेन पॉइंट। तो ये तो हो गई पहली वाली बात। दूसरी बारी, अब मेरे को पता था कि ब्रीडिंग को प्रमोशन कराने के लिए क्या करना, ये सब किताबी भाषा तो पढ़ी हुई थी, प्रैक्टिकल कभी नहीं हुआ था घर के अंदर, तो उसके बाद मैंने उन्हें नॉनवेज फूड देना शुरू करा, नॉनवेज में स्पेसिफिकली ब्लड वॉर्म्स। तो उसके बाद उन्होंने फिर से 15 दिन के बाद, हफ्ता 15 दिन के अंदर जो है उन्होंने दोबारा से, मतलब 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में दोबारा से उन्होंने अंडे दिए। अब सेकेंड टाइम वाला जो था वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, अंडे भी दिए, उसको फर्टिलाइज भी किया, अंडों को हैच भी होने दिया, अब बच्चे भी बाहर आ गए, और मतलब बच्चे बन गए अंडे से, एंड वो इधर उधर फ्रीली उस स्टेज तक भी पहुंच गए थे जहां से वो एग योक ख़त्म करके अपना खाना खाना खुद का शुरू कर देते हैं। तो हिकारी फर्स्ट बाइट्स मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैंने ऐसे ही केस के लिए रखा हुआ था, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड कि कभी तो कराएंगे, कभी तो करेंगे, ऐसे करके जस्ट रखा हुआ था, देना शुरू करा। अब वो पेरेंट उस टाइम पे, दोनों सेकेंड टाइम पेरेंट्स थे, इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे बच्चों को लेके कि बच्चों को खाना खाने तक नहीं जाने दे रहे थे, बच्चे हल्का सा भी उठ के स्विम करना शुरू करते, पकड़ के वापस, पकड़ के वापस, पकड़ के वापस। मेरे हिसाब से दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को 2-3 बच्चे जो है बेचारों की डेड बॉडी फ्लोट होती हुई दिखी, एंड आफ्टर लाइक फ्यू आवर्स मेरे को वो भी नहीं दिखी। तो यहाँ 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, एक तो उन्होंने बच्चों को खाना नहीं खाने दिया नंबर 1 खुद से, और दूसरी चीज़ उन्होंने वो इतने पोजेस थे वो पकड़ पकड़ के वापस जो रख रहे थे, और फिर मरने के बाद शायद खा गए या फिर जो बच्चे को चाहते उनको खा गए। तो इनके सिनेरियो में जब आप इनके ऊपर डीप स्टडी करोगे, डीप रिसर्च करोगे, यू विल गेट टू नो जो भी ये एग लेइंग फिशेस होती हैं जो अंडों को इस तरीके से लाइन में लगाती हैं, वेदर इट्स डिस्कस और एंजल, सो स्पेसिफिकली मैं सेक्लेट वेराइटी की बात कर रहा हूँ, ये लोग क्या करते हैं अगर इन्हें खतरा महसूस होता है ना टैंक के अंदर कि भाई या तो दूसरी कम्युनिटी फिश जो है वो खा जाएगी, या फिर अगर ये हो सकता है कि बच्चों को फिश नहीं खा रही या फिर अंडे ख़राब हो रहे हैं, तो खुद ही उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो दैट कैन बी अ सिनेरियो, वहाँ इनको ये लग रहा होगा कि भाई एक आधा मर गया, हो सकता है शायद सारे मर जाएंगे तो खा सकते हैं, तो दिस इज़ जस्ट अ मेंटालिटी, जस्ट अ थिंकिंग। तो ये मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, ओपिनियन बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ फैक्ट। फैक्ट ये है कि हाँ स्ट्रेस होकर ये लोग खा लेते हैं या फिर इन्हें खतरा महसूस होता है तो भी ये अपने अंडे डर के मारे जो है खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये हुआ सेकेंड टाइम। अब थर्ड टाइम क्या होता है, 1 हफ्ते बाद ही भाई साहब दोबारा से अंडे देने शुरू कर दिए। घर वाले भी मेरे कहते, कह रहे इतनी जल्दी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहा हो रहा है, ब्रीडिंग पेयर मिल गया मेरे को। तो अब थर्ड टाइम अंडे दिए, फर्टिलाइज कुछ हुए, काफ़ी सारे नहीं हुए पिच, अनलाइकली जो मैंने आपको सेकेंड टाइम में बताया था कि अच्छे से फर्टिलाइज करते थे, 3-4 रह जाते हैं बीच में, थोड़ा बहुत वो वाइट हो जाते हैं, अलग से पता चल जाता है। फिशेज उनको अपने एग्स को जब क्लीन कर रही होती हैं और अपनी टेल से फैन करके उनको वाटर सर्कुलेशन दे रही होती हैं, तो फिशेज उनको हटा देती हैं, रिमूव कर देती हैं और खा भी जाती हैं। तो थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम भाई अंडे दिए, फर्टिलाइज किए, मैंने वीडियो भी जो है उसको उतारा, एंड उसके अगले दिन ही मैं जाके देखता हूँ भैया अंडे नहीं है, सारे अंडे खा गए, जबकि उस टाइम पे मैं हैवीली फीड करता हूँ और करना भी चाहिए, जब आप ब्रीडिंग कराने का प्लान कर रहे होते हैं तब भी आपको हैवीली फीड करना चाहिए, और स्पेसिफिकली नॉनवेज फूड टू प्रमोट स्पॉनिंग, ये मैंने आपको एंजल की गाइड में पूरा बताया है। तो मैं हैवीली फीड भी कर रहा था, मैं टाइम टू टाइम जब मैं कमरे में आऊँ जाऊँ, मतलब 2 या 3 घंटे के गैप में,
थोड़ा बहुत फूड जो है मैं उनको डाल दे रहा था, वेज नॉन वेज दोनों दे रहा था, पैलेट फूड भी दे रहा था, ब्लड बॉम्ब भी दे रहा था, बट सडनली अगले दिन अंडे गायब। मतलब शाम को अंडे दिए, रात को ठीक थे, अब रात को मैं, बच्चा कमरे में सो रहा होता है, वाइफ भी सो रही होती है, तो मैं वहाँ लाइट जला के नहीं देख सकता, मैं फ़ोन का थोड़ा सा डाल के देखता था कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, और हमें मुझे देख के भी स्ट्रेस आउट नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो जनरली वहाँ पे बैठ के अपना काम वाम भी करता हूँ, और मेरे से तो काफ़ी फ्रेंडली हैं, जैसे ही मैं जाता हूँ खाना भी मांगने के लिए एकदम आगे आ जाती हैं। तो सिमिलरली गायब अब कल रात को, यानी कि 23 तारीख की रात को इन्होंने फिर से स्पॉनिंग जो है वो कर दिया है। तो खाना मैं टाइम टू टाइम दे रहा हूँ, और सेकंड वाला बहुत अच्छा था यार वो, मतलब उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती थी गॉन राइट के बारे में, एंड फिर मैं आपको वीकली अपडेट्स भी दे सकता था, वीडियोस भी काफ़ी सारी बन जाती, पैसा भी बहुत सारा आ जाता और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आता, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने सर्वाइव नहीं करने दिया, पता नहीं क्यों। बाकी इस बार मैं थोड़ा सा फूड जो है वो डिफरेंट भी देके देखूंगा, मेरे पास डैफनिया भी है, मेरे पास आपके ब्राइन श्रिम्प्स भी हैं, आई विल ट्राई दैट दिस पर्टिकुलर टाइम। और इस बारी तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक बारी फर्टिलाइज हो जाए और एग में से बच्चों की टेल निकलने लग जाए ना, तो मैं पेरेंट्स को रिमूव भी कर दूँगा, लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो, फिर हम गॉन राइट के बारे में बात करेंगे। अभी जब तो गॉन राइट हो नहीं जाता तो सिर्फ वर्बली बात नहीं करेंगे, विल डू इट प्रैक्टिकली एंड देन विल शो यू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दैट्स ऑल। तो अभी इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, ये बस मेरे को छोटा सा अपडेट जो है वो देना था, क्योंकि सीरीज़ की जिसकी हमने बात की थी उसके बारे में बात करना था। हाँ, बाकी ये है कि अगर आप गूगल आर्टिकल्स के ऊपर जाएं तो उसमें यही लिखा होता है कि जो टैंक कैप्टिव एंजल फिशर्स जो होती हैं 4 या 5 बार स्टार्टिंग में अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट करती हैं, तो ये चौथा है, अब देखते हैं ये सक्सेस होता है या नहीं होता। दैट्स ऑल, बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज़ वेल, और जो लोग पार्ट ऑफ एनजीओ होना चाहते हैं इसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इफ़ यू वांट टू डोनेट यू कैन, लाइक मिनिमम 50, 100, 10 जो भी आप मतलब करना चाहें, और अगर मनी वाइज डोनेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग जस्ट चैनल को लाइक फॉलो करके उसकी रीच बढ़ा सकते हैं, जो पोस्ट होती हैं उनको लाइक फॉलो करके उनकी रीच भी बढ़ा सकते हैं, दैट्स ऑल। और बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, जिन्हें नहीं पता हमारा गिव अवे भी चल रहा है जिसका टोटल अमाउंट 8,000 है, जो कि 1-5,000 एक बंदे को जाएगा और 1,000-1,000 तीन बंदों को, जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम गिव अवे की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।